कर्मचारियों के पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए आज भी सरकार के खजाना में जमा है, लेकिन श्रमिकों के हित में जो खर्च होने चाहिए 3.5 साल का समय निकाल दिए, श्रमिकों का पैसा, श्रमिकों को भी उसका लाभ नहीं मिला। अब जब 1.5 साल का समय बचा है, तब श्रमिक सियान की बात याद आ रही है और बात आने के बाद में जिस प्रकार से घोषणा की गई है, वास्तविक में ये सरकार ने श्रमिकों के ऊपर में एक बड़ा अन्याय किया है कि चाहे वो पलायन करने वाला श्रमिक हो, कोविड के समय में जो संकट के समय में हो, श्रमिकों के जो बेटियों की जो शादी होती थी उसकी हम बात करें, और भी जो योजनाएं चल रही थी उस योजनाओं को, सारी योजनाओं को इन्होंने ठप रखा, पैसा उसमें जमा रखा, लेकिन जमा रखने के बाद में एक पैसा ये श्रमिक का पैसा है, सरकार की राशि नहीं है। और श्रमिक के पैसा श्रमिक को मिलने चाहिए, लेकिन 3.5 साल में श्रमिक देखते रहे, बाढ़ जोहते रहे, ये सरकार देने में आनाकानी करती रही, और अभी जब बात आ रही है तब देने की बात कही है। निश्चित रूप से श्रमिकों का पैसा श्रमिक के हित में जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से जो इसके नीति क्या होंगे, नियम क्या होंगे, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो राशि की जो बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार का आकलन ये जो उसके रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जिस ये सरकार बिना सोचे समझे और बिना रणनीति के छत्तीसगढ़ के पैसों का किस प्रकार से यहाँ पर फूकने का काम किया जा रहा है, केवल कर्जा में छत्तीसगढ़ सरकार डूब रही है, न यहाँ के किसानों को लाभ मिला, मजदूरों के जो घर बनते, आवास बनते, उनको भी उनसे वंचित किया गया, रसोई गैस कनेक्शन बंद कर दिया गया, और उस पैसे का दुरुपयोग इस सरकार ने जो किया है उसकी खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। आज केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रही है, कई प्रदेशों ने इसकी स्वीकृति दे दी है, छत्तीसगढ़ प्रदेश 17% डीए में चल रही है, बमुश्किल 5% डीए बढ़ाने की घोषणा की, और हम देखेंगे तो केंद्र से सारी बातों पर छत्तीसगढ़ की सरकार एक उदाहरण देने का प्रयास करते हैं कि डीए की जब बात आती है तो पीछे क्यों हट रही है। जब आप आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, बाकी सब चीजों का उल्लेख करते हैं, तो क्या राज्य सरकार के कर्मचारी गुनाह किए हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो मिल रहे उसे आधा भी ना मिले? तो ये इस प्रकार से जो राज्य सरकार के कर्मचारी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है उचित नहीं है। 34% डीए का अधिकारी है, 34% डीए उनको मिलनी चाहिए, और जिस प्रकार से यहां पर उनको प्रताड़ित करना, रोक लगाना, धरना प्रदर्शन न कर सके, केवल इसीलिए आप उस सर्कुलर को लाने का बहाना कर रहे हैं कि जिससे कर्मचारी उसमें डीए की मांग ना करे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के पूर्व जनता से वोट लेने के लिए और खास करके महिलाओं से कि पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, और वादा करने के बाद में, सरकार आने के बाद में नए नए शराब दुकान खोलने का, नए बार खोलने का, किस प्रकार से खोला जाए उसकी जुगत में लगी हुई है। और अब जो कैबिनेट का निर्णय आया कि हम जो रिसार्ड पुराने बने हुए उसमें बार खोलेंगे, उसका लाइसेंस दिया जाएगा, विशुद्ध रूप से जनता को धोखा देना, वादा खिलाफी करना, और शराब के पैसे से कार्य योजना बनाना, कि इस प्रकार से यदि जनता को धोखा ही देना था तो माफी मांगना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हमने तो वोट लेने के लिए ये शराबबंदी का थोथा घोषणा हमने किया था, और जिस प्रकार से सरकार में आने के बाद में वादा खिलाफी कर रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और समय आने के बाद में सबक सिखाएगी। खोलिए आप शराब का दुकान, क्योंकि आपको तो शराब के पैसे से ही बाकी चलानी है, तो इसलिए ऐसे वादा और ऐसे नारा क्यों लगाना कि जिसको आप पूरे करने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए ये काला कानून भी उसी के अंतर्गत में आया, सर्कुलर जारी हुआ
कि जब जनता आवाज लगाए तो उसको दबाया जा सके और इस प्रकार से नए नए शराब के दुकान कैसे खोला जाए जो आइडिया दी जा रही है इसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही सरकार को अपने वादा निभाना चाहिए, तत्काल शराबबंदी करनी चाहिए। जानकारी मिली है कि पर्यटन विभाग के द्वारा जो होटल और बाकी चीजों को चिन्हांकित किया गया है 30 साल के लीज में देने की बात चल रही है। एक तरफ केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि एयरपोर्ट को लीज पे दे रहे हैं या ट्रेन की बात कर रहे हैं या अन्य संपत्ति की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य सरकार क्या करने जा रही है, आखिर राज्य सरकार उसको क्यों नहीं चला रही है, और 30 साल के जो देने की व्यवस्था है उसका कंडीशन क्या है, क्या क्या शर्तें उसमें रखी गई है। आनंद फानंद में मुझे लगता है कि निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके पूरी प्रक्रिया का पालन हो और प्रक्रिया के साथ में उस संपत्ति की भविष्य में आने वाले सुरक्षा की गारंटी, ये बहुत आवश्यक है। बहुत कीमती जमीन है और उस कीमती जमीन को केवल हम किसी को दान के स्वरूप में या ऐसी दे देंगे तो ये जो बंदरबाट होने की संभावना है इससे बचने की आवश्यकता है। केवल आरोप नहीं लगाना केंद्र के ऊपर, आखिर आप क्या करने जा रहे हो इस बात का भी चिंतन होनी चाहिए। और जिस प्रकार से नीति बनाई गई है, मुझे लगता है कि आनंद फानंद में कीमती जमीन को किसी भी प्रकार से उसमें हड़पने की नीति ना बने, मोबिलाइज करने की नीति ना बने, बल्कि वो शासन की जमीन सुरक्षित रहे, इन सारी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और आलोचना यदि एक तरफ करते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को लीज में देने के बजाय पर्यटन मंडल को खुद को चलानी चाहिए और खुद चला करके उसमें आय का एक सरकार के जरिया बने। पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है और आखिर सबको किराए में देना है तो पर्यटन बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों है, ये लोग क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि विभाग के पास भी कार्य होनी चाहिए और इसलिए इस बात को समग्र रूप से चिंतन करने के बाद ही डिसाइड करके निर्धारित करने की आवश्यकता है।